चलो दो तीन क्वेश्चंस और कर लेते हैं एंड में. ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि C6H10O2 ऑप्टिकली एक्टिव डाइकार्बोनिल कंपाउंड है. ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए तो इसका मतलब एक C डबल बॉन्ड O है, उसके पास एक कार्बन है और डाइकार्बोनिल O2 है, मतलब अपने पास डाइकार्बोनिल कंपाउंड है. O2 है तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है. ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसके पास एक कायरल सेंटर है. कायरल सेंटर है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इधर अपन ले लेते हैं CH3, तो अपने 1 2 3 4 फोर कार्बन हो गए, अभी दो और बचे हैं और मुझे ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर चाहिए, तो इधर H ले लेते हैं, इधर H ले लेते हैं और इधर C2H5 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये एक कायरल सेंटर बन जाता है. ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, तो ये हमारे पास एक कायरल सेंटर बन गया. कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, दो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 10 है, तो 5 + 3 8 9 10. तो आपको ये डायकार्बोनिल बोल दिया था उसने, ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया था उसने, इसलिए हमें ये सोचना पड़ा. जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है वो स्मॉलेस्ट डायकार्बोनिल कंपाउंड है, स्मॉलेस्ट डायकार्बोनिल कंपाउंड. तो डायकार्बोनिल कंपाउंड को टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए बीच में एक CH2 लेना पड़ेगा, इधर C डबल बॉन्ड हो, और वो कह रहा है वो सिग्निफिकेंट इन ऑल कंटेंट दे रहा है एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल में हम दोनों साइड हाइड्रोजन लगा सकते हैं. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायकार्बोनिल कंपाउंड हो गया जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनऑल कंटेंट भी दिखाएगा. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि हम देखें तो ये बोल रहा है कि कौन रेसिमाइज होगा. अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था रेसिमाइज वो होगा जो टॉटोमराइज होगा, और टॉटोमराइज होने के लिए भी एक और कंडीशन थी वहां पे कि वो टॉटोमराइज हो, पर रेसिमाइज होने के लिए एक और कंडीशन क्या थी कि वो क्या करे, उसके पास एक अल्फा कार्बन ऐसा होना चाहिए जो असिमेट्रिक हो. अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए और दो अलग अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, तो ही वो रेसिमाइज होता है. अब इस वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में अल्फा कार्बन ये है, ये रहा अल्फा कार्बन. अब इस अल्फा कार्बन में कितने ग्रुप्स लगे हैं, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ D लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है और एक तरफ लगा हुआ है CHO. तो आप ये देखो ये क्या, ये एक कायरल सेंटर बन गया. तो CHO ग्रुप का जो पड़ोसी वाला कार्बन है विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, वो असिमेट्रिक है क्योंकि देखो चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, डी अलग है, डी मतलब ड्यूटेरियम, और CHO ग्रुप्स अलग है, तो चार ग्रुप्स अलग हैं, इसलिए ये टॉटोमराइज होगा और टॉटोमराइज होने के बाद जो इनॉल फॉर्म मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर, उसको रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोलो, उसको बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड बोल दिया है कि रेसिमाइज हो रहा है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन रहा है. तो ये इसका इनॉल फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ए का इनॉल फॉर्म क्या होगा, वो होगा CH3 C, यहाँ पे D लगा है, ये डबल बॉन्ड और ये CH और ये OH, ठीक है. उसके बाद बी वाला स्ट्रक्चर देखो, बी में भी कीटोन के पास या ये कार्बोनिल ग्रुप के पास एक कार्बन है जिसके ऊपर दो अलग अलग R लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन है इसलिए हम टॉटोमर बना पा रहे हैं, और दो अलग अलग R हैं इसलिए ये क्या है, ये एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ये भी एक कायरल सेंटर है, और एक ये ऐसा कायरल सेंटर है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, इसलिए ये भी रेसिमाइज होगा. रेसिमाइज होगा मतलब ये जो कंपाउंड है कीटो फॉर्म, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, पर इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये H हो गया, ये OH हो गया और ये हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया एक H. अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है. C में देखेंगे अपन यदि, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमर बनाएंगे कैसे,
अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से ही टॉटोमर बनता है, या अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यदि वही नहीं है तो टॉटोमर नहीं बन सकता है, इसलिए इसका टॉटोमर ही नहीं बनेगा, इसका इनोलिक फॉर्म ही नहीं बनेगा, तो फिर ये रेसिमाइज कैसे होगा? तो इस वाले का आंसर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर है ए और बी, और सी हो ही नहीं सकता, वो तो टॉटोमराइज ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनके टॉटोमर्स बनाइए। अभी तक नॉर्मली हमने क्या किया था, कीटो का इनॉल फॉर्म बनाया था, अब चलो इनॉल से अपन कीटो फॉर्म बनाते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां एक OH लगा है और यहां एक OH लगा, आपको पता है कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, बस वो ट्विस्ट हो जाता है, तो यदि मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाती हूं तो मैं क्या करूंगी, इस डबल बॉन्ड को तो मैं टच नहीं कर सकती, पर ये डबल बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, आप समझ रहे हो, इधर, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, तो जब इधर शिफ्ट कर दूंगी तो यहां एक हाइड्रोजन इसका शिफ्ट हो जाएगा, और इसका डबल बॉन्ड मैं किधर शिफ्ट करूं, इसका डबल बॉन्ड मैं फिर इधर शिफ्ट करूंगी, तो नेचुरली ये डबल बॉन्ड यदि इधर शिफ्ट हो गया है तो इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट होना पड़ेगा, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, ये इसका कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, 100% इनॉल फॉर्म ही होगा क्योंकि कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं है और इनॉल फॉर्म जो है वो एरोमेटिक है, इसे 100% इनॉल फॉर्म होगा, पर इफ समबडी आस्क यू कि आप इसका कीटो फॉर्म बना के दिखाइए, तो ये रहा। अब अपन सेकेंड वाले का कीटो फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी वैसे ही चलेगा, अब यहां पे भी वही होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, तो जो हाइड्रोजन है वो इधर शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ये ऐसे, फिर ये यहां पे डबल बॉन्ड ओ, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड ओ, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे है हाइड्रोजन और यहां पे है डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। और उसके बाद थर्ड वाले केस में भी यदि आपके पास में ऐसा है, यहां पे OH है, यहां पे OH है, यहां पे हम एक पाई बॉन्ड ले रहे हैं, यहां पे एक पाई बॉन्ड ले रहे हैं, यहां पे एक पाई बॉन्ड ले रहे हैं, तो यहां पे कैसे होगा फिर, अब यहां पे हम क्या करें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड की थोड़ी सी पोजीशंस बदल देते हैं जिससे हमें कन्वर्ट करने में इजी होगा, तो हम पाई बॉन्ड एक यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं और एक यहां लगा देते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो मैं पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करूंगी तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूंगी, ये पाई बॉन्ड में इधर शिफ्ट करूंगी तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करूंगी, 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे लिखा हमने, फिर हमने यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा के यहां पे एच लगा दिया, यहां पे हमने डबल बॉन्ड ओ लगा के यहां पे एच लगा दिया, और यहां पे ये पाई बॉन्ड एज इट इज रह गया। थर्ड वाले केस में एक यहां पे भी OH है, 1, 2 और 3, तो यहां पर भी एक OH है, तो हम उस OH को भी यहां पे लेके 1 पे है, 2 पे है और ये 3 पे भी है OH, तो इस वाले केस में ऐसा होगा कि फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें तीनों जगह O आ जाएंगे। और फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यदि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर फोर्थ वाला ऐसे हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे एक H लगा रह जाएगा। फिफ्थ वाले में नहीं होगा क्योंकि ब्रिज वाले हाइड्रोजन यूज नहीं होते हैं, और सिक्स वाले में जब होगा तो वो ऐसा होगा, ये OH हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड होगा और यहां पे CH3 होगा, कर वही रहे हैं बार 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 हम 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हैं जिससे हमें कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म या इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस
few differences between tautomerism and resonance. The first is, in case of tautomerism, as you noticed, it is 1-2 or 1-3 shift. An atom shifts, an atom changes its place from one atom to the other. For example, in most of the cases we notice hydrogen goes from carbon to oxygen. But in case of resonance, whenever you write resonating structures, there is always shifting of either pi electrons or the lone pairs. You never shift an atom from one atom to the other. It is always the shifting of a pi bond or a lone pair. Tautomers are different compounds and they can be separated by suitable methods. When you have a keto form of a compound and you have enol form of a compound, they are actually two different compounds having two different functional groups. They have different functional groups. Keto form has a different functional group and enol form has a different functional groups. They have different properties, so they can be separated by suitable methods. Whereas in case of resonance, all the resonating structures or canonical structures, they are just imaginary. They do not exist. It's only the resonance hybrid which has real existence. The others, they do not exist. Wo to hote hi nahi, wo to sirf ek imagination hai. Jo do tautomers hote, wo hamesha equilibrium mein hote. Kisi ka percentage jyada ho sakta hai, kisi ka kam ho sakta hai, but they are in equilibrium. But in resonance, there are no two compounds, it's only one compound. To equilibrium ki to koi baat hi nahi aati. And tautomerism के कारण कोई energy में lowering नहीं होती, जैसे resonance के कारण हमेशा molecule stabilize होता है, stabilize होता है मतलब उसकी energy कम हो जाती है, तो जहाँ पे भी tautomerism होगा, वहाँ पे molecule stabilize हो जाता है और उसकी energy कम हो जाती है, पर ऐसा कोई भी factor या ऐसा कोई भी stabilizing factor tautomerism में नहीं आता है, और जो टॉटोमरिज्म हम दिखाते हैं या टॉटोमर्स बनाते हैं उनमें सारे एटम्स एक प्लेन में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते कोई फर्क नहीं पड़ता पर रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होता है क्योंकि रेजोनेंस एक्चुअली साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है तो साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यदि होनी है तो द मॉलिक्यूल शुड बी इन वन प्लेन तो रेजोनेंस वहीं पर होगा जहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल होगा जबकि टॉटोमर में ऐसी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती है सो इस तरह हम टॉटोमेरिज्म खत्म करते हैं हमने एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया है हमने चेन से शुरुआत की थी चेन खत्म किया फिर हमने पोजीशन खत्म किया फिर हमने रिंग चेन खत्म किया फिर हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म किया फिर हमने मेटामेरिज्म किया और हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होता है टॉटोमेरिज्म वो हमने खत्म कर लिया है अब इस पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिस्कशन में एक वर्ड आया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो वहां पे मैंने थोड़ा बता दिया था पर उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले लेती हूँ सो फाइनली बिफोर गोइंग फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम दो चीजें और करेंगे एक तो हम अभी करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं देखते हैं हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ठीक से पढ़ते आया कि नहीं और समझ में आया कि नहीं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट एक फाइनल रिवीजन हो जाए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का और उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू करें लेट्स टॉक अबाउट अगेन अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये मैंने एक जगह और भी पहले बात करी थी पर अभी एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको ये क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है इट इज एक्चुअली वॉट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड to convert a formula into the formula of a saturated open chain compound. अब इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि मान लो मेरे पास देखो हाइड्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 मतलब यदि n कार्बन है तो हाइड्रोजन चाहिएंगे 2n+2 मैं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूं यदि हाइड्रोजन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन
ऐसा किया जा सकता है, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्स. इफ देयर इज ओ, इफ देयर इज ओ, इफ देयर इज ओ, इट फॉर्म्स टू बॉन्ड्स. So no hydrogen required. If there is O, या sulfur के लिए भी same applicable होगा. And if there is nitrogen, we will require one hydrogen पर नाइट्रोजन, बिकॉज यू नो जब एक नाइट्रोजन रिप्लेस होगा कहीं पर भी तो वो ऐसे रिप्लेस होगा. तो आप देखो यहां पे क्या आना था, एक हाइड्रोजन आना था, उस हाइड्रोजन की जगह दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम हुआ और दो हाइड्रोजन आए, मतलब डिफरेंस कितने का आया, वन हाइड्रोजन का. तो जहां पे भी एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन की जगह आया, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया पर दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भी तो आए, तो कुल मिला के एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा. इन सारी चीजों को मैं यूज करके बताऊंगी तो ही आप समझोगे. जैसे हमने बात करी C4H6 की, बात करिए C4H6. अब इसका सैचुरेटेड क्या होता, इसका सैचुरेटेड कंपाउंड होता C4H4 2 8 + 2 10. Therefore, this implies difference in hydrogen atoms is how many? कितना hydrogen atoms का difference आया? 10 - 6 = 4. So, how many therefore hydrogen required to convert C4H6 को हम convert कर देते थे C4H10 में, तो कितने होते, इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2. देयरफॉर DU इज 2. दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1. नाउ इफ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 2, C6H6O. इसका सैचुरेटेड एपी करती मैं यदि, इसका करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड मॉलिक्यूल क्या होता, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल ये होता C6H14O. तो कितना हो जाएगा इसका DU, कितना होगा DU विल बी 14 - 6/2, दैट इज 4. अब थर्ड एग्जाम्पल मैं लेती हूं C6H5Cl. अब Cl भी एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे DU क्या होगा, यहां पे DU होगा, हमें चाहिए थे कितने, 6 × 2 + 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, पर हैं कितने, 5 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ने बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ने बनाया है, इसे हम -6/2 करेंगे, तो ये कितना हो गया, 14 - 6 = 8/2, दैट इज 4. तो इसका DU है 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4. यदि एक और एग्जाम्पल ले अपन C6Br6, ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, तो यहां पे DU निकालने के लिए हम क्या करते, हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए थे इसको सैचुरेट करने के लिए, 6 × 2 + 2, इतने तो चाहिए थे. ब्रोमीन ने 6 सिंगल बॉन्ड्स बना लिए तो वो हाइड्रोजन उतने कम पड़ हैं, उतने नहीं चाहिएंगे, तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा 4. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन C5H11OCl. अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे यहां पे DU क्या हो जाएगा, यहां पे DU होगा
5 into 2 plus 2 minus 12 upon 2. So, इसका DU हो जाएगा 0. बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने, आप समझ रहे हो? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कि यदि एक इतने कार्बन है, जितने भी जिस कंपाउंड में कार्बन है, तो उसने कितने सिंगल बॉन्ड्स बनाने थे, उस कार्बन ने टोटल कितने सिंगल बॉन्ड्स बनाने थे, और उन सिंगल बॉन्ड्स पे या तो हाइड्रोजन लगने थे या कोई हैलोजन लग रहा था. सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन और हैलोजन्स बना सकते हैं. तो उसके बाद बचे हुए बॉन्ड्स किसने बनाए, या बचे हुए बॉन्ड जिसने भी बनाए हैं यदि उनको हटाया जाता तो हमें कितने हाइड्रोजन और लगते थे. तो हमें जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, यदि उसको सैचुरेटेड कंपाउंड के, वो भी ओपन चेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने H2 डालने पड़ेंगे, वो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. तो उसके लिए सिंपल सी जो हमें, हम बहुत फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहते, हम रिक्वायरमेंट देख के कि हमें एक्चुअली में इसमें करना क्या, कंसेप्चुअली व्हाट डू वी नीड टू डू इज. तो हमने यहाँ पे ये किया कि यदि चार कार्बन है तो मुझे हाइड्रोजन एटम्स चाहिए थे कितने, चार के लिए चाहिए थे 4 × 2 = 8 + 2 = 10 चाहिए थे, पर 6 ऑलरेडी हैं, 10 चाहिए थे, 6 ऑलरेडी हैं, तो डिफरेंस कितना है, 10 - 6 = 4, तो DU is 4/2. ये इसमें किया. यहां पे हमारे पास 6 थे, 6 कार्बन है, तो मुझे चाहिए थे 14 हाइड्रोजन, पर यहां पे 6 हैं, तो मैंने 14 में से 6 माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि मुझे H2 के टर्म्स में बताना, हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं बताना है, H2 के टर्म्स में बताना है. वैसे ही यहां पे मुझे 6 कार्बन के लिए 14 हाइड्रोजन चाहिए थे, उन 14 हाइड्रोजन में से 5 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 Cl हो गया. तो इस तरह हमने यहां पे सारे केसेस में DU निकाल लिया. अब और एग्जांपल्स कर लेते हैं. चलो अब और एग्जांपल लेते हैं. C9H12N2. मैंने आपको बोला था जितने नाइट्रोजन होंगे उसकी जगह एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह एक NH2 आया है, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ और दो हाइड्रोजन आए, तो डिफरेंस निकालोगे तो एक का आ रहा है. तो यहां पे हमारा DU कितना हो जाएगा, इस केस में DU विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन मुझे चाहिए कितने थे, 9 × 2 + 2 चाहिए थे, उनमें से प्लस 2 मुझे चाहिए थे नाइट्रोजन के कारण, और फिर माइनस करना है मुझे, देयर आर ऑलरेडी 12 हाइड्रोजन, तो उसको यदि मैं डिवाइडेड बाय 2 करती हूं तो हमारा आंसर कितना आता है, देखो 22 - 12 = 10, 10/2 = 5, तो इसका DU आ गया 5. एक और एग्जांपल लो, C6N6. अब आप देखो यहां पे 6 कार्बन के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए थे, 6 × 2 = 12 + 2 = 14, और इस नाइट्रोजन के लिए मुझे एक नाइट्रोजन के लिए एक चाहिए होता है, तो यहां पे मेरे को 6 चाहिए थे, तो यहां पे हो गया DU 10. इसका DU हो गया 10. ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, C10H8SO5N4Cl2. अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन डालना है. तो अब यहां पे DU क्या होगा, यहां पे DU होगा, मुझे चाहिए थे 10 × 2 = 20 + 2 = 22, और 22 + 4 इतने हाइड्रोजन मुझे चाहिए थे, ये कार्बन से पता चला, ये नाइट्रोजन से पता चला, और ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड्स कितनों ने बना लिए, 8 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो ये हो गया 10 + 2 माइनस कर दिए, अब आपके पास कितना है, ये हो गया 8. तो इस तरह हम DU निकाल लेते हैं, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं. पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के करेंगे क्या, उसे क्या मिलने वाला है, अपने को सबसे बड़ी हेल्प ये मिलने वाली है कि किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हम बना सकते, कितने नंबर तो नहीं पता चलेंगे, पर कितनी वैरायटी के हम आइसोमर्स बना सकते. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ DU इज 1
what does it represent? यदि degree of unsaturation एक है, इसका मतलब ये है कि या तो वहाँ पे one double bond है, or one ring. If DU is two, what does it mean? या तो two double bonds हैं, or two rings हैं, or one double bond, one double bond and one ring, or a triple bond, बात समझ में आई आपको? इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स भी बनाने हैं, कि ट्रिपल बॉन्डेड भी बनाने हैं, कि रिंग वाले भी बनाने हैं. ये सारा आइडिया हमको यहां से लग जाएगा. अब इसका यदि अपन एग्जांपल लेपन, तो पहला एग्जांपल लेते हैं. चलो इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास है C2H2Cl2. इसका हम DU निकालते हैं. इसका DU आएगा, हाइड्रोजन कितने चाहिए थे? 2 2s are 4, 4 plus 2 6, 6 minus 4 upon 2, तो इसका आया 1. इसका मतलब या तो 1 डबल बॉन्ड है या 1 रिंग है, जो भी है हमें समझ में आ रहा है. 2 कार्बन से रिंग तो बनेगी नहीं, तो ये पक्का हो गया कि उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, ना तो कोई और वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ना रिंग है, ना कुछ है. तो हमारे पास इसके आइसोमर्स देखो कौन कौन से हुए. मेरे पास एक हो गया, ये एक डबल बॉन्ड तो रखना ही था, तो एक एच इधर रख दिया, एक एच इधर रख दिया, एक सीएल इधर रख दिया, एक सीएल इधर रख दिया. एक ये आइसोमर हो गया. दूसरा आइसोमर हो गया, मैंने सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे एच रखा, यहां पे सीएल रखा, यहां पे सीएल रखा, यहां पे एच रखा. अब आपको दिख रहा है कि ये तो सिस ट्रांस दोनों हो सकते हैं, तो इसका सिस भी बनेगा और इसका ट्रांस भी बनेगा. तो टोटल आइसोमर्स इसके हो जाएंगे 3. पर डीयू ने हमें क्या बताया कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमने बना लिया. दूसरा एग्जांपल मैं यदि लूं, तो मेरे पास है C4H6. अब इसका डीयू निकालते हैं. इसका डीयू कितना आ रहा है? 4 2s are 8, 8 plus 2 is 10, तो 10 minus 6 upon 2 is 2. अब 2 का मतलब आप समझते हो, 2 का मतलब है या तो 2 डबल बॉन्ड है, या 2 रिंग्स हैं, या 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है. तो अपन सारे कंपाउंड चलो बना लेते हैं, तो हमारे कितने आइसोमर्स बनेंगे ये अपन देखते हैं. तो अपन यहां से चालू करें यदि कि 1 ट्रिपल बॉन्डेड है यदि, तो वो ये हो सकता है और ये हो सकता है. ये हो गया ट्रिपल बॉन्डेड. फिर अपन चलें कि उसमें 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड्स में हमने कंटीन्यूअस 2 डबल बॉन्ड बना दिए, और फिर हमने एक ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया, ये भी हो गया. अब वो कह रहा है कि 2 रिंग्स भी हो सकती हैं, तो 2 रिंग्स मतलब हम ऐसे कर लें तो ये 2 रिंग्स हो गई. ये हो सकता है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है. तो चलो अपन देखते हैं एक रिंग और एक डबल बॉन्ड कैसे करें. अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपने पास टोटल 4 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो गया, एक यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक यहां लगा दिया, एक हमने ऐसे लगा दिया. तो ये आपके पास हो गए 8 स्ट्रक्चर. और कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि कार्बन अपने पास सिर्फ 4 हैं, तो 4 कार्बन हैं और हमारे पास 2 रिंग हो सकती थी. ये रही 2 रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये 2 डबल बॉन्ड वाले हो गए, ट्रिपल बॉन्डेड वाले हो गए. अब आप सोचो कोई और तो नहीं बच गया जो हम ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि टोटल हमारे पास अभी हो रहे हैं 8. ट्रिपल बॉन्डेड में ये ट्रायंगल में ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, एक ही कार्बन बाहर निकालना था, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता था, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती थी, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, C4 2 2 4 4 + 2 6. सो दीज आर द टोटल 9 आइसोमर्स पॉसिबल विथ C4H6. तो हमें C4H6 का DU जब 2 निकाला तो हमें ये समझ में आ गया कि या तो वहां दो डबल बॉन्ड्स हैं, या वहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर वहां पे दो रिंग्स हैं, या फिर वहां पे रिंग और डबल बॉन्ड, रिंग एंड डबल बॉन्ड, रिंग एंड डबल बॉन्ड, रिंग एंड डबल बॉन्ड है. तो DU हमें ये आइडिया दे देता है. जैसे एक और केस ले लेते हैं अपन, C6H12. इसका DU निकालते हैं. चलो इसका DU होगा 6 2 12 12 + 2 14. 14 - 12 जो है वो 2 है, तो 14 - 12 / 2 = 1. अब 1 है मतलब इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि या तो वहां पे 1 डबल बॉन्ड है या रिंग है. तो अपन चलो रिंग की बात करें तो रिंग ऐसे हो सकती, और अपन ऐसा करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना के पहले देख लेते हैं. एक रिंग ये हो गई, फिर चलो 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं 4 मेंबर रिंग. 4 मेंबर रिंग में हम 2 कार्बन यहां लगा सकते हैं, फिर हम एक ही पे लगा सकते हैं, फिर हम ऑपोजिट साइड पे लगा सकते हैं, और हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक ही पे 2 लगा दें. चलो अब 3 वाले पे चलते हैं, तो 3 वाले पे तीनों पे एक एक लगा देते हैं, फिर 3 वाले पे एक इधर लगा देते हैं, 2 इधर लगा देते हैं, फिर 3 वाले पे ऐसा कर सकते हैं हम तीनों एक पे लगा दें, फिर 3 वाले पे ऐसा कर सकते हैं हम ये ऐसे लगा दें. तो अभी तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब कौन सा बच गया है, 3 3 6 3 9 10, और कोई बच रहा है? डबल बॉन्डेड रिंग नहीं हो सकती. तो यदि मैं इसके सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाऊं, मैंने ज्यादा नहीं बनाने, यदि सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो ये 3 1 2 3, फिर 1 2 3, ये ऐसे भी हो गया, एक ऐसे भी बना सकेंगे हम, एक मिथाइल लगा दो, एक इथाइल लगा दो. तो ये 11 जो बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जो हैं ये हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. दीज आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. अब इनके साथ यदि ओपन चेन भी क्लब करने हैं तो ओपन चेन वाले वो बनेंगे जिनमें एक डबल बॉन्ड आना चाहिए. तो ऐसे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड आएगा. अब मान लो एक और एग्जांपल लें जिसमें बोला जाए कि C16H16 है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है. C16 इतने सारे कार्बन के साथ जब इतने कम हाइड्रोजन होते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं. तो इसका पहले DU निकालने अपन क्या होगा, इसका DU होगा 16 2 32 32 + 2 = 34 34 - 16/2, सो इट कम्स टू 9. DU इज 9. अब DU 9 में तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, पर एरोमेटिक है तो हम एक ऑप्शन ऐसा ले सकते हैं अब इसमें गिनते अपन देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो डबल बॉन्ड से और 2 रिंग के लिए. तो यहां पे DU 9 कैसे जस्टिफाई हो रहा है, 7 फॉर डबल बॉन्ड्स एंड 2 फॉर रिंग्स, ऐसा अपन कर सकते हैं. अपन दूसरा इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकते हैं कि अपन बेंजीन रिंग ले लें और चारों कार्बन साथ में लगा दें, और फिर अब यहां पे 3 और 3 6 डबल बॉन्ड्स हो गए हैं, 2 रिंग्स हो गई, 6 + 2 8 हो चुका है, एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा दे, चाहे यहां लगा दे चाहे यहां लगा दे, तो वो उसके हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे. फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं,
और यहां डबल बॉन्ड लगा दें। इस तरह आप समझ रहे होंगे कि इन सारे स्ट्रक्चर में ऐसा है कि आपको जितने पाई बॉन्ड्स हैं वो भी डीयू है, वो भी डीयू का पार्ट बनेंगे, और जितनी रिंग्स है, मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन का डीयू क्या होगा, यदि बेंजीन ऐसे रख दिया जाए तो बेंजीन का डीयू क्या होगा पता आपको, तीन तो डबल बॉन्ड है और रिंग है, तो 3+1=4 होगा। ऐसे देखा जाए तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। C6H6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 into 2 12, 12 plus 2 14, 14 minus 6 हो गया 8/2 =